हेलो एवरीवन, हेलो एवरीवन, होप यू आर ऑल फाइन। आज हमारा ये तीसरा लेक्चर है जिसमें हम इम्पोर्टेंट बुक्स एंड ऑथर के बारे में पढ़ेंगे ज्योग्राफी में। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट लेक्चर है क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट बुक हम डिस्कस करने जा रहे हैं इस लेक्चर में। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हमारा क्वेश्चन है, हु रोड द बुक ज्योग्राफी एज ए साइंस ऑफ ऑब्जर्वेशन। पहला क्वेश्चन है कि हु रोड द बुक ज्योग्राफी एज ए साइंस ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो इसका ऑप्शन है आपके पास, हैरवी एस पेरलॉफ, जीन फोब्स, जी रोज, हैरी डब्ल्यू रेडिसन। तो आपके पास इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर 3, जी रोज। जी रोज ने ये बुक लिखी है, ज्योग्राफी एज ए साइंस ऑफ ऑब्जर्वेशन। क्वेश्चन नंबर 2, हु रोड द बुक ज्योग्राफी एंड ज्योग्राफर्स। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, बहुत सारे एग्जाम में पूछी जाती है ये कि ज्योग्राफी एंड ज्योग्राफर्स किसने लिखी है। तो आपके पास है, सबसे पहला ऑप्शन है पी जेम्स, जीन बुरनीस, आरजे जेंस्टन एंड जे सिडवे एंड ई जॉन्स। और आपके पास इसका करेक्ट आंसर है, करेक्ट आंसर नंबर 3। इसका क्या आंसर है, ये करेक्ट आंसर नंबर 3, आरजे जेंस्टन एंड जे डी सिडवे। चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, हु रोड द ग्रोथ पोल एंड ग्रोथ सेंटर फॉर रीजनल इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन इंडिया। ठीक है, इंडिया के अंदर ग्रोथ पोल, ग्रोथ सेंटर फॉर रीजनल इकोनॉमिक डेवलपमेंट किसने लिखी है। सबसे पहला ऑप्शन है मिश्रा राव एंड सुंदराम, सुंदराम एंड टी बी लैरी, सिन एंड वनामली, सुदास एंड सिन गुप्ता। और आपके पास इसका करेक्ट आंसर है वन, आंसर वन, पार्ट वन, मिश्रा राव एंड सुंदराम ने ये बुक लिखी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं, हु रोड द बुक मेट्रोलॉजी। बहुत इंपॉर्टेंट बुक है ये, तो ये किसने लिखी है, अरिस्टोटल है, पोसिडेनियस है, प्लेटो है या एरेटोस्थीन है। तो ये किसने लिखी थी, अरिस्टोटल है। ठीक है, ये इसका करेक्ट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं, ये एक साइड मैच द फॉलोइंग, ये बुक्स हैं और ये हमारे पास आथर है, तो हम इनको मैच करना है। सबसे पहला है मेकर ऑफ मॉडर्न ज्योग्राफी। ठीक है, मेकर ऑफ मॉडर्न ज्योग्राफी का आथर कौन है, ऑल पॉसिबल वर्ल्ड्स किसने लिखी है, एंथ्रोपो ज्योग्राफी किसने लिखी है, नेचर ज्योग्राफी किसने लिखी है। ठीक है, चलिए मैच करते हैं। सबसे पहले मेकर ऑफ मॉडर्न ज्योग्राफी, मेकर ऑफ मॉडर्न ज्योग्राफी किसने लिखी है, आर ई डिक्सन है। ठीक है, मेकर ऑफ मॉडर्न ज्योग्राफी। उसके बाद हमारे पास ऑल पॉसिबल वर्ल्ड, ऑल पॉसिबल वर्ल्ड पीई जेम्स। ठीक है, करेक्ट आंसर ये है। एंथ्रोपो ज्योग्राफी, ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, बहुत बार क्वेश्चन में पूछी जाती है ये, एफ रेडजल, फ्रेडरिक रेडजल। और नेचर ऑफ ज्योग्राफी ये किसने लिखी है, हार्टशॉर ने लिखी है। ठीक है, ये इसका सीक्वेंस बन गया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है, इस पूरे सेशन की जो, उस पूरे लेक्चर की बहुत इंपॉर्टेंट बुक आपके लिए है। उसके बाद है, हु अमंग द फॉलोइंग हैज ऑथर द बुक ए 100 ईयर ऑफ ज्योग्राफी। ठीक है, एक 100 ईयर ऑफ ज्योग्राफी बुक है, ये किसने लिखी है। तो आपके पास सबसे पहले ऑप्शन है हॉर्ले, गोलियस बी हैरिसन एंड चर्च एंड टी डब्ल्यू फ्रीमैन। तो आपको करेक्ट आंसर है 4, टी डब्ल्यू फ्रीमैन ने ये बुक लिखी है। एक बुक का नाम क्या है, 100 ईयर ऑफ ज्योग्राफी। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग ज्योग्राफर हैज ऑथराइज द बुक द ज्योग्राफी ऑफ स्टेट पॉलिसीज। ठीक है, एक बुक है जिसका नाम है द ज्योग्राफी ऑफ स्टेट पॉलिसीज, ये किसने लिखी है। तो आपके पास ऑप्शन नंबर 1, आर एल मोरिल, एस बी कोहिन, आर जॉन्स हार्टशॉर, जे आर वी प्रिस्कॉट। ठीक है, आपके पास करेक्ट आंसर है 4, जे आर वी प्रिस्कॉट ने ये बुक लिखी है। ठीक है, उसके बाद है आपके पास एक है दी बुक ज्योग्राफी ऑफ पीस। ठीक
है, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है ये, ज्योग्राफी ऑफ पीस। ये किसने लिखी है? ये महान ने लिखी है, उसके बाद स्पाइक मैन ने लिखी है, होसफर ने लिखी है, या रेडजल ने लिखी है, या आपकी बुक किसने लिखी है? स्पाइक मैन ने लिखी है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में बात करते हैं। मैच ऑफ द फॉलोइंग, हमने मैच करना है। सबसे पहले हमारे पास है यूनिवर्सल ज्योग्राफी, क्लाइमेटिक साइकिल एंड एवोल्यूशन, बिहेवियर्स एंड लोकेशन, ज्योग्राफी विदाउट मैन। ठीक है, चलिए सबसे पहले यूनिवर्सल ज्योग्राफी किसने लिखी है? यूनिवर्सल ज्योग्राफी ई रिकल्स ने लिखी है। ठीक है, क्लाइमेटिक साइकिल एंड एवोल्यूशन ये किसने लिखी है? टेलर ने लिखी है। ठीक है, बिहेवियर्स एंड लोकेशन, ठीक है, बिहेवियर और लोकेशन एक बुक है, ये किसने लिखी है? ये ए पैरेट ने लिखी है। ठीक है, उसके बाद जियोग्राफी विदाउट मैन ये किसने लिखी है? ये डी ले ने लिखी है। ठीक है, ये इसकी इंपॉर्टेंट सीक्वेंस है, इसको याद रखिए। यूनिवर्सल जियोग्राफी ने रिटन बाई इरिकलस, क्लाइमेटिक साइकिल इन एवोल्यूशन रिटन बाई टेलर्स, बिहेवियर्स एंड लोकेशन रिटन बाई ए पैरेट, एंड जियोग्राफी विदाउट मैन रिटन बाई डी ले। आगे भी ऐसे ही क्वेश्चन है हमारे पास, ये कुछ ऑथर्स हैं और ये बुक्स हैं। अब अपने ऑथर्स को इसके साथ मैच करना है। सबके सबसे पहले एस स्टीर्स, स्टीर्स ने एक बुक लिखी है, उसका क्या नाम है? वॉन रिक्टोफन, वुडरीड एंड थॉर्न पर। सबसे पहले स्टीर की बुक देखें, स्टीर ने कौन सी लिखी है? दी अनस्टेबल अर्थ। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, अनस्टेबल अर्थ। ठीक है, उसके बाद हमारे पास वॉन रिक्टोफर। ठीक है, वॉन रिक्टोफर ने कौन सी बुक लिखी है? वॉन रिक्टोफर ने और वुडरीड ने लिखी है, कौन सी लिखी है? थॉर्न पर ने कौन सी लिखी है। ठीक है, उसके बाद आगे हमारे पास वॉन रिक्टोफर, वॉन रिक्टोफर ने लिखी है कौन सी? जियोमॉर्फोलॉजी। ठीक है, और वुडरीड ने लिखी है सेपरेट एंड पर्पज ऑफ जियोग्राफी। और उसके बाद हमारे पास थॉर्न पर ने लिखी है प्रिंसिपल ऑफ जियोमॉर्फोलॉजी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बुक है, एक बार फिर देख लीजिए इनको। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 के बारे में बात करते हैं। यहाँ भी हमारे पास कुछ बुक्स हैं और ये आतर हैं। ठीक है, सबसे पहले मॉर्फोलॉजी ऑफ अर्थ। ठीक है, मॉर्फोलॉजी अर्थ ये किसने लिखी है? फिर प्रिंसिपल ऑफ फिजिकल जियोलॉजी, जियोमॉर्फोलॉजी एंड मॉर्फोलॉजिकल एनालिसिस ऑफ लैंडफॉर्म। सबसे पहले मॉर्फोलॉजी ऑफ अर्थ, इसको लिखी है किसने? एलसी किंग ने। किसने लिखा है ये? एलसी किंग ने लिखी है। ओके, उसके बाद है प्रिंसिपल ऑफ फिजिकल जियोलॉजी, ये किसने लिखी है? ये ए हॉल्म्स ने लिखी है। ठीक है, किसने लिखी? ए हॉल्म्स ने लिखी है। हमारे पास है जियोमॉर्फोलॉजी, ये किसने लिखी है? स्पॉक्स ने लिखी है। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास मॉर्फोलॉजिकल एनालिसिस ऑफ लैंडफॉर्म, ये है वाटलर पिंक। ठीक है, डब्ल्यू पिंक ने लिखी है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 के बारे में बात करते हैं। दी बुक द स्टडी ऑफ लैंडफॉर्म किसने लिखी है? ये स्टडी ऑफ लैंडफॉर्म हॉल्म्स ने लिखी है, वाटलर पिंक ने लिखी है, डब्ल्यू डी थॉर्नबर्न ने लिखी है, आरजे स्मॉल ने लिखी है। ये किसने लिखी है? आरजे स्मॉल ने लिखी है। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 के बारे में बात करते हैं। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक पॉपुलेशन बॉम्ब? ठीक है, एक बुक का नाम है पॉपुलेशन बॉम्ब, वो किसने लिखी है? ठीक है, आपके आंसर में देखिए, डोनाल्ड बॉन्ग, पॉल इनरिच, ठीक है, उसके बाद रॉबर्ट माल्थस या थैम्पुसन। तो ये किसने लिखी है? ये ऑप्शन टू, पॉल अर्लिच ने लिखी है। ठीक है, उसके बाद है हु इज द ऑथर ऑफ द बुक मैन मेक हिमसेल्फ? ठीक है, मैन मेक हिमसेल्फ किसने लिखी है? ये किसने लिखी है? ये डोनाल्ड बोंग ने लिखी है, या गोल्डचाइल्ड ने लिखी है, रॉबर्ट माल्थस ने लिखी है, या थॉम्पसन ने लिखी है। और इसका आंसर भी आंसर नंबर टू ही सही है, क्योंकि ये गोल्डन चाइल्ड ने लिखी है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है ये भी। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। हु रोड द बुक नून एज द वर्ल्ड पोलिटिकल जियोग्राफी? ठीक है, वर्ल्ड पोलिटिकल जियोग्राफी है, ये किसने लिखी है? ठीक है, ये किसने लिखी है? ये जी पेरेसिन लिखी है। ठीक है, किसने लिखी है? जी पेरेसिन। उसके बाद दी बुक पोलर जियोपॉलिटिक्स, ठीक
है, पोलर जियो पॉलिटिक्स ये रिटन बाय बाय होम ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से किसने लिखी है? ठीक है, तो आपके पास है सबसे पहले रिचर्ड पोवाल, आर डी डिक्सट, वलमीर कोलोशोव या आर जे टेलर एंड एंड आर जे जॉनस्टन, पी जे टेलर एंड आर जे जॉनस्टन, ये किसने लिखी है? ये रिचर्ड पोवाल ने लिखी है। ठीक है, पहला आंसर है इसका ये वाला, रिचर्ड पोवाल ने लिखी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 के बारे में बात करते हैं। इसमें है द बुक ओरिजिन ऑफ कॉन्टिनेंट एंड ओशन। ठीक है, ओरिजिन ऑफ कॉन्टिनेंट ओशन जो 1915 में लिखी थी, और वो किसने लिखी है? पिंक ने लिखी है, वैगनर ने लिखी है, टेलर ने लिखी है, या डेविस ने लिखी है, एमएस डेविस ने लिखी है। तो ये किसने लिखी थी कॉन्टिनेंट ऑफ ओरिजिन ओशंस के बारे में, किसने लिखी थी? अल्फ्रेड वैगनर ने दी थी। ठीक है, अल्फ्रेड वैगनर ने 1915 में ही बुक लिखी थी। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 19, इसमें फिर हमने मैच करना है इनको। बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, जियोग्राफी एज ए ह्यूमन इकोलॉजी की बुक है जो 1923 में लिखी थी। ठीक है, उसके बाद ए जियोग्राफिकल इंट्रोडक्शन टू हिस्ट्री है, ए प्ली फॉर द हिस्ट्री ऑफ जियोग्राफी जो 1926 में लिखी है, जियोग्राफी इन रिलेशन टू सोशल साइंस 1934 में लिखी है। ठीक है, चलिए देखते हैं जियोग्राफी एज ए ह्यूमन इकोलॉजी, ये किसने लिखी है? एच बैरोस ने लिखी है। ठीक है, उसके बाद है ए जियोग्राफिकल इंट्रोडक्शन टू हिस्ट्री, जियोग्राफिक इंट्रोडक्शन टू हिस्ट्री ये किसने लिखी है? एल फेबर ने लिखी है। ठीक है, उसके बाद है ए प्ली फॉर द हिस्ट्री ऑफ जियोग्राफी, ये किसने लिखी है? ये लिखी है जेके राइटर ने लिखी। ठीक है, उसके बाद आपके पास जियोग्राफी इन रिलेशन टू सोशल साइंस, ठीक है, जियोग्राफी का रिलेशन किसके साथ? सोशल साइंस के साथ, ये किसने लिखे? ये आई बोमैन ने लिखी। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। 20 में भी आपने मैच करनी है। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज एक बुक है जो 1859 में लिखी थी, उसके बाद मैन एंड नेचर है, नेचर है 1864 में लिखी गई है, उसके बाद जियोग्राफिकल पिवट ऑफ हिस्ट्री 1994 में लिखी गई है, और द पल्स ऑफ एशिया 1907 में लिखी गई। ठीक है, और इसको मैच करना है किसने लिखा। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बहुत फेमस बुक है ये, चार्ल्स डार्विन ने लिखी है। ठीक है, उसके बाद है मैन एंड नेचर, ठीक है, आदमी और कुदरत 1864 में लिखी है, ये किसने लिखी? जीपी मार्श ने लिखी है। ठीक, उसके बाद है ए जियोग्राफिकल पिवट ऑफ हिस्ट्री, ठीक है, ये किसने? एजे मैकेंडर की इंपॉर्टेंट बुक है और फेमस बुक है पल्स ऑफ एशिया, ये हंटिंगटन ने लिखी है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 21 के बारे में बात करते हैं। टिक द करेक्ट वन, आपने करेक्ट आंसर को टिक करना। इन्फ्लुएंस ऑफ जियोग्राफिक इन्वायरमेंट 1911 में लिखी है। ठीक है, ये किसने लिखी है? लोकेशन एनालिसिस इन ह्यूमन जियोग्राफी 1965 में लिखी है, मॉडल इन जियोग्राफी 1967 में लिखी है, फिजिकल जियोग्राफी सिस्टमेटिक अप्रोच 1971 में लिखी है। चलिए देखते हैं किसने लिखी है। 19 सबसे पहले है इन्फ्लुएंस ऑफ जियोग्राफिक इन्वायरमेंट, ये किसने लिखी है? एलन सिंपल चर्चिल ने लिखी है। ठीक है, ई सिंपल। उसके बाद लोकेशन एनालिसिस इन ह्यूमन जियोग्राफी, ये पीटर हैगेट ने लिखी है। ठीक है, पी हैगेट, पीटर हैगेट। मॉडल इन जियोग्राफी, ये किसने लिखी है? ये लिखी है आपके आर चौरले एंड पी हैगेट ने। उसके बाद है फिजिकल जियोग्राफी ए सिस्टमेटिक अप्रोच, ये लिखी है किसने? ये लिखी है आर चौरले एंड बी कनेडियन ने लिखी है। ठीक है, चलिए थैंक यू वेरी मच। ये थे हमारे कुछ 21 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं थे, इसमें 21 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन में हमने मैक्सिमम मैक्सिमम से मैक्सिमम बुक के बारे में बताया है। ठीक है, ये बुक ही बहुत इम्पॉर्टेंट है, अपने आप में ही बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो ये पेपरों में पूछी जाती हैं। होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।